नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे बस जो हमने कल एनालिसिस किया था, आज कैसा टर्नआउट हुआ है, बात करेंगे आगे मार्केट किस तरह का हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये याद हो कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग दो केस में बेरिश होंगे मार्केट में, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, हम दो केस में मार्केट में बेरिश होंगे। दूसरा हमने कहा था अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आपने देखना है प्राइस एक्शन, ठीक है। मैंने कल जाते जाते भी 3-4 बार शायद ये चीज़ कह दी होगी, ठीक है। प्राइस एक्शन आपको देखना है, वो आपको बताएगा कि मार्केट कहाँ पर जा रहा है। तो मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुआ, पर पहले 15 मिनट के कैंडल से ही निफ्टी में एटलीस्ट एक क्लियर कट डायरेक्शन हमें मिला। वहीं बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो उतना क्लियर कट डायरेक्शन हमें तुरंत नहीं मिला, बाद में लेटर ऑन हमें फिर निफ्टी ने इसको ऊपर खींच लिया, वो अलग बात है। पर मार्केट पहले डाउनवर्ड्स एक मार्केट ने डिप लगाया, उसके बाद शार्प अप मूव आया मार्केट में, फिर अपसाइड पर ही मार्केट मूव करता रहा, फिर किसी तरह के मार्केट ने फिर उसके बाद किसी तरह की कोई वीकनेस मार्केट ने शो नहीं करी, ठीक है। तो बेसिकली आपको मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि जैसे कि आज भी हम अगर आज का भी हम लोग एनालिसिस देखें कि बॉस आपको ये देखना है कि भाई रेजिस्टेंस कहाँ पे है। रेजिस्टेंस जो बेसिकली रेजिस्टेंस कौन कौन से होते हैं, एक तो ये स्विंग रेजिस्टेंस है आपका, राइट, जो जहाँ पे आसपास मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया। एक क्या है क्लोजिंग जो सॉरी एक आपकी क्लोजिंग प्राइस रेजिस्टेंस है जहां पर ये पर्टिकुलर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, एक है स्विंग रेजिस्टेंस हो गया जहां पर मार्केट ने फिर से एक रेजिस्टेंस मार्केट में फेस किया, ठीक है। तो बेसिकली एक हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, और हम चाहे जितना भी यहाँ पर सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ मार्केट में यूनिक हमेशा रहेगा, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है और उसके लिए मार्केट में स्टॉप लॉसेस बनाए गए हैं, राइट। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपने ट्रेड लिया भी होगा और थोड़े से में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, बट सेकेंड टाइम मार्केट जब ये पर्टिकुलर हाई क्रॉस किया, और मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जस्ट मैं इसलिए बैंक निफ्टी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है बैंक निफ्टी लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ठीक है। निफ्टी अपनी अपनी चॉइसेज है, राइट। तो मार्केट जब भी कहीं पे मार्केट ओपन ओपन हुआ और उसके बाद अगर मार्केट क्रॉस कर रहा है फिर से इस पर्टिकुलर हाई को, डे के हाई को, तो आप उस चीज़ को बुलिश मान सकते हैं, ठीक है। एक जनरल क्राइटेरिया मैं कहूँगा कि आप उसको बुलिश मान लीजिए, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद आपका फिर से अगर एसएल हिट हो जाए तो फिर उस दिन मार्केट में ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो देखिए मैं हमेशा मैं अपने लिए एक ये रूल मैं बनाता हूँ रखता हूँ कि मार्केट में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक 1 SL इज द डे ऑफ फॉर मी, कि मतलब हो गया आज का दिन, और इन सम केसेस 2 SL, 2 SL होते ही 2 से ज़्यादा मैं मार्केट में SL नहीं दूंगा, बिकॉज अगर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का है तो अगर एक मेरा SL चला जाता है तो सेकेंड ट्रेड अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे फिर भी प्रॉफिट मार्केट में होने के चांसेस हैं, ठीक है। और दूसरा SL जैसे ही लगता है उसके बाद मैं मार्केट में फिर ट्रेड नहीं करता हूँ, पर्टिकुलर डे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो वैसा ही आपको हालांकि निफ्टी आज बहुत अच्छा मार्केट रहा, ठीक है, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा स्टार्टिंग में, इस पर्टिकुलर फेज में मैं कहूंगा कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा, उसके बाद बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक एक ट्रेंड में चला गया था। हालांकि निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, जितना क्लोज बैंक निफ्टी के लोज आज बन रहे थे, ये जो लो हैं बहुत पास पास बन रहे थे, वहीं निफ्टी में आप देखेंगे तो लोज बहुत ईजिली दूर सॉरी हाँ यहाँ पर भी हालांकि वही बना है सिचुएशन, बट ये जो सिचुएशन है यहाँ पर, ये जो ब्रेकआउट है इसने बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर अगर आपने लिया होगा तो कोई घबराने की बात ही नहीं थी, अगर आप फिर आपका ये SL होगा उसके बाद मार्केट में आप रुक सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बस आगे मार्केट किस तरह का हो सकता है। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे सिचुएशन निफ्टी में, तो निफ्टी में हमें ये समझ में आ रहा है कि बस मार्केट यहाँ से इस तरह आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया मार्केट, फिर ये वोलेटिलिटी जोन फिर से, और फिर मार्केट इस तरह का बन के वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला मैं कहूँगा कि अभी ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, कौन सा लेवल है ये, 16,500, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए हम लोग इंट्राडे बेसिस पर अगर डिस्कस कर रहे हैं आपने किस तरह का देखना चाहिए मार्केट को, तो एक अच्छी आज बात हुई कि मार्केट में एक बुलिश क्लोजिंग हुआ है, बुलिश प्राइस एक्शन के साथ में, ठीक है, बुलिश प्राइस एक्शन रहा, बुलिश मार्केट में क्लोजिंग हुआ। अगर मैं दूसरे तौर से बात करूं कि मार्केट किस तरह का हो सकता है, तो सिंपल सी बात है कि अभी अगर मैं 1 आवर चार्ट पे जाता हूं आपके लिए, तो यहां पर आप देखेंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मार्केट ने ये पर्टिकुलर एक हाई बनाया, मार्केट नीचे आया, फिर एक
अपसाइड बायर्स ने ट्राई किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से वापस बायर्स ने ट्राई किया, फिर से मार्केट नीचे आया, ये फिर से बायर्स ने फिर से ट्राई किया है, ठीक है। तो या तो मार्केट ये पर्टिकुलर इस तरह से ऊपर चला जाए, ठीक है, तो एक ये हमें पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह का पैटर्न देखने को हमें मिलेगा, राइट, तो भी ये एक बुलिश पैटर्न सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन दे देगा यहाँ पर हमको। दूसरा, आप अगर ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर आप एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन अगर बनाना चाहें ये दो पॉइंट्स को, हालांकि कोई कंफर्म मतलब ये नहीं कहूँगा कि मैं परफेक्ट ट्रेंड लाइन होगी ये, बट हाँ इन दो पॉइंट्स को मिला के अगर बनाई जा रही, यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट को, तो यहाँ पर आपको फिर से रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ पर फिर से रिजेक्शन देखने को मिला, लेकिन मार्केट ने अल्टीमेटली यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। तो पहला आप कहेंगे कि बस क्या करना चाहिए हमें, तो सिंपल से मेरा ये आपसे सजेशन रहेगा कि मार्केट में आप क्या करें, कल के लिए 16,500 आप मार्क करके रखें, 16,500 अगर मार्केट क्रॉस करता है तो इमीडिएट आप मार्केट में बाय कर सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस कौन से लेवल्स पे होना चाहिए आपका, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा मुझे यहाँ पर टेंशन दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रेट मोमेंटम हुआ है मार्केट में, ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कि मार्केट अगर मान लीजिए अगर प्राइस एक्शन बनाता है इस तरह का मार्केट, तो आपको एक स्विंग स्टॉप लॉस एक अच्छा मिल जाएगा। पर हाँ, अगर आपने स्टॉप लॉस रखना ही है तो मार्केट में आप 450 का स्टॉप लॉस मार्केट में रख सकते हैं, 16,450, उसके 1,500 के ऊपर बाय आप कर सकते हैं। टारगेट मुझे लगता है कि 16,600 के आसपास के होने चाहिए, ठीक है, आसपास बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली तो मुझे लगता है 16,600 पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, बट हाँ आसपास का, वहाँ पर आप यहाँ पर कहीं पर जोन में अपना टारगेट बुक कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर भी बाय हो सकता है, जैसे मार्केट आज का हाई क्रॉस करता है तो आप इमीडिएटली मार्केट बाय कर सकते हो फॉर द लेवल ऑफ, ज़्यादा लंबे यहाँ पर टारगेट नहीं रख के हम लोग 35,300, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं पोजिशनल हम लोग अगर, ठीक है। तो चार्ट में मुझे बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चार्ट में मार्केट ने एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया है, अब इसे सस्टेन करना चाहिए ऊपर, ये पर्टिकुलर स्विंग जो है ये जब क्रॉस करेगा तब हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी मार्केट में, रेजिस्टेंसेज अभी भी भरे हुए हैं ऊपर साइड पर, ठीक है, तो उनको क्रॉस मार्केट को करके जाना पड़ेगा तब जाके एक अच्छा, ये देख रहे हैं ये वाला पर्टिकुलर जगह, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस दैट इज 35,400 का लेवल, ठीक है, ये मार्केट जब क्रॉस कर जाएगा उसके बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड पर मार्केट में देखने को मिल सकता है। अच्छी न्यूज़ ये है कि आज का जो मोमेंटम है ये अच्छा बुलिश मोमेंटम मैं कह सकता हूँ मार्केट ने प्रोवाइड किया है, ठीक है, परफेक्ट एक स्विंग वगैरह मार्केट देके जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट बुलिश मोमेंटम किया था परंतु क्लोजिंग होते होते मार्केट बेरिश हो गया था, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा आज नहीं हुआ है। ऑप्शन चेन डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बिकॉज डे वन है, और FII डेटा में अगर आप देखेंगे तो कल की अपेक्षा में आज कॉल्स ऐड कर दिए गए हैं यहाँ पर। अब देखिए कल हमने क्या कहा था कि ओपन इंटरेस्ट बेरिश दिखाई दे रहा है और FII डेटा बेरिश दिखाई दे रहा है, पर मैंने आपसे ये भी चीज़ कही थी कि बस अपने जाते जाते आप हमेशा कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो अल्टीमेटली आप चार्ट्स हैं जो आपको स्टॉप लॉस देंगे, चार्ट्स हैं जो आपको टारगेट्स देंगे, राइट, तो प्राइस एक्शन देखना हमेशा, आप एक तरह से ये रूल बना लीजिए कि बस कुछ भी हो हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि ये जो डेटा है ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डेटा है, राइट, हम लोग और जब मार्केट अगर अपसाइड पे मूव करने लगेगा तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी अपना व्यू धीरे धीरे फिर चेंज करने लगेंगे, ठीक है, आई होप आप बात समझ गए, ठीक है। तो बेसिकली वर्डिक्ट इतना सा है कि मार्केट ने अच्छा बुलिश क्लोज दिया है आज, ठीक है, मोमेंटम हमें थोड़ा और आगे मिल सकता है, ठीक है, बट अभी रेजिस्टेंसेज हैं रास्ते में, रेजिस्टेंसेज हैं, तो अगर मार्केट हाई क्रॉस करता है तो हम बाय कर सकते हैं इंट्राडे के बेसिस पर। पोजिशनल मैं चाहता हूं कि कल का प्राइस एक्शन हमें कंफर्मेशन दे देगा कि मार्केट कैसे मूव करना चाह रहा है, ठीक है, कल का मोमेंटम आपको बता देगा कि अपसाइड पर जाना चाह रहा है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है तो हम कॉल सेल की तरफ प्रेफरेंस करेंगे, मार्केट अगर अपसाइड पर मूव कर रहा है तो हम पुट सेल की तरफ प्रेफरेंस करेंगे फिर, ठीक है। तो कल का एक बार हम क्लोजिंग हो जाए उसके बाद हम बात करेंगे पोजिशनल में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की, बढ़ते हैं हमारे डॉलर के एनालिसिस पर, कोई खासा मोमेंटम हुआ नहीं है उसमें भी, ठीक है, यहीं पर मार्केट अभी रोम अराउंड ही कर रहा है, ठीक है, यहीं पर ही मार्केट हिलाई डुलाई कर रहा है जब तक कि, और फिर से यहाँ पर कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है हालांकि, तो अभी भी मैं वही कहूंगा कि यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी इज दी बेस्ट, जब तक मार्केट किसी भी साइड पर ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हम किसी तरह के ट्रेड नहीं कर सकते यहाँ पर। तो दोस्तों ये था मेरा
निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर का एनालिसिस। आई होप ये आपको पसंद आया होगा और आई होप आपने कुछ सीखा होगा यहाँ से। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहती है कि कुछ ना कुछ हो सके तो कुछ वैल्यू ऐड हम कर सकें। ठीक है, और लेट मी सी, अगर सेंसेबल पर अभी भी समर सेल चल रहा है कि नहीं। हाँ, अभी भी समर सेल चल रहा है, तो अगर आपने बाय करना है प्लान या फ्यूचर में सोच रहे थे बाय करने की, तो ये एक अच्छा समय बाय करने के लिए। ठीक है, और इसी के साथ वी विश यू अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल। हमेशा की तरह अपना कैपिटल बचा के ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, और ओवरनाइट लेके जा रहे हैं तो हेज के साथ ट्रेड करिए। हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल, बाय।